अच्छा, भाजपा में जब चुनाव होता था, जब आप भाजपा में काम करते थे, चुनाव होता था तो वोट जो होता था वो आप डलवाते होंगे, दिलवाते होंगे, क्योंकि भाई उस पार्टी के लिए काम करे तो वोट देना है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। जिन लोगों का आप भाजपा को वोट डलवाते थे, क्या अब उन लोगों का वोट आप वीआईपी को डलवा पाएंगे? बिल्कुल, हम इसी काम के लिए आए हैं पूछा हमें। क्या आपको लगता है कि फॉरवर्ड लोग जो है वीआईपी को वोट देगा? बिल्कुल लोग देंगे, चाहे सब स्वर्णों का ही पार्टी, सब समाज का पार्टी है। मुकेश सहनी जी किसी के साथ भेदभाव करके नहीं राजनीति करते हैं, सबको लेकर चलते हैं। ये तो अति पिछड़ा समाज के लोग बहुत पिछड़े हैं, जिसके लिए वो सोच रहे हैं कि जब सब लोगों का उत्थान हो, सब लोग अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं, लेकिन वो किसी को छांट कर नहीं चलते हैं। उन लोग से भी हम निवेदन करेंगे कि भैया मुकेश सहनी का हाथ मजबूत किया जाए, सभी का। अच्छा, मंत्री जी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, और जनरल समाज जो ब्राह्मण समाज जो है उसके लिए भारत में 24 घंटे के अंदर 10% रिजर्वेशन लागू हो गया। अति पिछड़ा तो 52% से भी ऊपर जा रहा है देश में, जो ओबीसी में आते हैं इनकी संख्या 52% से भी ऊपर है, और अति पिछड़े या निषाद या जो है केवट बिंद मल्ला हो गया, या कुर्मी हो गए, पटेल हो गए, साहू जी हो गए हैं, इन लोगों की जो संख्या है वो भी 15% से आप ऊपर मान करके चलिए, तो 66,000 रुपये कमाने वाले लोगों को इस देश में आरक्षण 24 घंटे के अंदर मिल जाता है। लेकिन अति पिछड़े समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6,000 रुपये महीना भी नहीं कमा पा रहे हैं, उन लोगों को आरक्षण अगर मिल जाता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि समाज के लिए जी होगी। जी जी तो भाजपा ने या भाजपा के राज में, नरेंद्र मोदी की सरकार में ब्राह्मण समाज को 10% रिजर्वेशन लागू हो गया, आप लोगों के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा है, तो उनको रिजर्वेशन लागू, ये गलत किया कि सही किया? गलत किया, गलत हुआ है। हम लोगों का भी हम लोगों की आर्थिक स्थिति जब खराब है तो सबसे पहले अति पिछड़ा समाज का चिंता करना चाहिए। वो लोग तो संपन्न है, कमा रहे हैं, उन लोगों के परिवार में काफ़ी नौकरियां हैं, उन लोगों के पास दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो अति पिछड़ा समाज के लोगों का है। हम लोगों के समाज के लोग बेरोजगार हैं। वो लोग अब मान ली के चलिए कि सरकार का अथी है, मनरेगा में 294 रुपया मिलता है, बताइए 294 रुपया से हम अपना परिवार चलाएंगे? 200 रुपये किलो, 200 रुपये लीटर अथी तेल हो गया है, तो हम अपना परिवार चलाएंगे कि अपने परिवार को पढ़ाएंगे कि क्या करेंगे? तो हमारा अधिकार है, जो मुकेश सहनी जी मांग रहे हैं बहुत बढ़िया मांग है। नहीं, मंत्री जी तो ये कह रहे हैं ना कि ब्राह्मण ने अपने लिए 10% रिजर्वेशन रातों रात लागू कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो करें, लेकिन हमको भी तो दें। जी जी बिल्कुल। वो 66,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति, उसको गरीब लग रहा है, लेकिन एक अति पिछड़े समाज का बेटा जो 6,000 रुपये नहीं कमा, उसको गरीब नहीं लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने 10% लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि गलत किया है। मंत्री जी कह रहे हैं कि सही है, कोई बात नहीं लागू की, लेकिन हमको भी तो दें, इसमें क्या कहेंगे? इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि सब उन लोगों का सोच गलत है, हम लोगों के साथ अत्याचार जुल्म हो रहा है, मनमानी हो गया है, और मनमानी करके वो चलाना चाहते हैं। तो मैं अति पिछड़ा समाज के लोगों से कहेंगे कि सब लोग एकजुट होकर और मुकेश सहनी के कदम से कदम मिलाकर इस बुचहा विधानसभा से भारी मतों से विजयी बनाकर भेजें, और आने वाले समय में जो चुनाव हुआ उसमें उनको मुख्यमंत्री बनाएं कि हम लोगों का भी हक हम लोगों को मिल सके। तो और स्वर्णों का पार्टी है, सब लोगों का हक दिलवाएंगे, ऐसा बात नहीं कि अति पिछड़ा के लिए सोचते हैं, लेकिन अति पिछड़ा के लिए सब नेता लोग बोलते हैं, अति पिछड़ा के लिए सभी दल के लोग बोलते हैं, लेकिन अति पिछड़ा के लिए करते नहीं हैं। हमें भी अति पिछड़ा के लोग हैं, हम लोग का भी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन मुकेश सहनी जी इस लड़ाई में आए और इसी लड़ाई के चलते उनका यहाँ तक ही लोग माने पहुँचा दिए, तो इससे हम बहुत काफ़ी दुखी हैं। और हम सभी अपने अति पिछड़ा समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग जग जाइए, और जग कर मुकेश सहनी को आप लोग अपना बहुमूल्य वोट दीजिए, हाथ मजबूत कीजिए, तभी आप लोगों का हक हुकूमत मिल सकता है, नहीं तो कोई दिलवाने वाला नहीं है, वोट ले लेगा कोई, और उसके बाद कोई हाल चाल पूछने नहीं आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे हमारे साथ में, और आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बताया कि हम भाजपा में शामिल थे, भाजपा के लिए काम करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, चुनाव होता था, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी तो वोट भी दिलवाते थे, लेकिन अब इस वक्त ये वीआईपी पार्टी में शामिल हैं और वीआईपी पार्टी के लिए काम करते हैं, वीआईपी पार्टी में काम करने के लिए अपना गोपालगंज घर छोड़ करके अभी उपचुनाव में बोचहा में प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, इनके माध्यम से जानकारी मिली है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको रातों रात 15% रिजर्वेशन लागू हुआ, और उन लोगों को लागू हुआ आर्थिक आधार पर जो व्यक्ति 66,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति है उसको 10% रिजर्वेशन लागू हुआ। लेकिन आप बताइए, कमेंट करिएगा कि अति पिछड़े समाज में कौन से ऐसे लोग हैं जो 66,000 रुपये महीना कमाते हैं,
मैं कह रहा हूँ कि 6,000 रुपये कमाने वाले लोग उनको गरीब नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जो 66,000 रुपये महीना कमा रहे हैं उनको गरीब दिखाई दे रहे हैं, उनको 10% रिजर्वेशन लागू किया गया। तो जो व्यक्ति 6,000 रुपये भी नहीं कमा रहा है, क्या उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए कि ये वीडियो आप कहाँ से, किस शहर से और किस राज्य से, किस गली से, किस मोहल्ले से आप देख रहे हैं, और आपका क्या नाम है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है। इसको फैलाइए, गर्दा उड़ा दीजिए पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ भी आप लोग हैं, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको दिखाता है वो सारी खबरें जो इस वक्त बौचा में घट रही है या हो रही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं के सिद्धार्थ फिर मिलूँगा आप लोगों को कहीं ना कहीं इसी तरह से बातचीत करते हुए और खबरें आप लोगों को दिखाते हुए। नमस्कार।